मेरे हस्बैंड का नाम महबूब अहमद शेख है, उनका 43 इयर्स ओल्ड है। सडन से उनको वॉमिट आ रहा है बोलकर उठे थे। उठते ही वो वॉमिट के लिए मैंने ना जल्दी जल्दी सिंक के पास ला रही थी, तो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको उठाकर खींच कर लाकर सिंक के पास वॉमिट करवा रही थी, तो वॉमिट भी कर नहीं पा रहे थे, ऊपर से ही वॉमिट कर रहे थे, ब्लड वॉमिट, पूरा बॉडी पूरा ब्लड वॉमिट कर रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था, उसके बाद अनकॉन्शियस हो रहे थे। When he arrived here with us, he was almost comatose and his condition was slightly critical. So we admitted him, we evaluated him, stabilized him, and then we found out that he had a massive bleeding in his brain. वो लोग emergency में जल्दी वो लोग emergency में लेकर गए। उसके बाद CT scan वगैरह सब, chest scan सब निकाला कावेरी हॉस्पिटल वालों ने, और उसके बाद बोला है कि उनको BP हाई होकर है, 240 अबव चले गया, और जाते ही वो ब्लड क्लॉट बन गया हेड में, बोला है डॉक्टर ने। क्लॉट बड़ा है, थोड़ा सीरियस है, कंडीशन सीरियस है, हम कुछ नहीं बोल सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा क्लॉट निकालने के लिए, बोला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, अभी जो भी हो वो ठीक होकर बाहर आए, आप जल्दी से जल्दी कर दो, कुछ भी करना है जल्दी कर दो, उनको ठीक कर बाहर लाओ। तो उनका BP लो करने के लिए 2 दिन लग गए। Probably because of the uncontrolled BP that he had, on which he didn't take regular medications and things like that. So we stabilized him, we counseled the family, we reassured them, and then we took him up for an emergency surgery of the brain, in which we removed the clot and the bleeding that had taken place in his brain, and also secured the bleeding points. The operation success हुआ, clot निकाल दिया हमने। अभी उन पे डिपेंड है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर कृष्ण चैतन्य, वो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से सर्जरी किया, और मेरे से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं वो, डरो मत, अच्छा सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया। तो थोड़ा मुझे हिम्मत देते थे वो डॉक्टर भी। सर्जरी के बाद थोड़ा आँखें खोलने लगे, उसके बाद हल्का हल्का देखने लगे, हाथ पकड़ने के लिए ट्राई करने लगे, लेकिन लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर काम नहीं कर रहा था। वैसे 1 वीक 6 डेज तक वेंटिलेटर पे ही थे वो, इमरजेंसी वार्ड में, ICU में ही थे। लगेगा 2-3 महीने लगेगा बोला है, लेकिन बहुत अच्छे से डॉक्टर ने ट्रीट किया उनको, अच्छे से बार बार चेकअप किया, और उस नर्सेज भी उनके पास हमेशा 2-3 नर्स हमेशा खड़े रहते थे। पोस्ट ऑपरेटिवली ही हैड अ रिमार्केबल रिकवरी, ही कम्प्लीटली गॉट हिज कॉन्शियसनेस बैक, वी वर एबल टू गेट हिम आउट ऑफ द वेंटिलेटर। And at discharge, which was around 4 days after the surgery, we could secure that he was able to walk by himself, talk about his condition, and almost attain a near normal living. Physiotherapist आ रहा है, वो कर रहा है, अभी तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब पकड़कर चल रहे हैं, लेकिन memory थोड़ा loss है, वो भी memory भी थोड़ा जल्दी आ जाएगा, 2-3 महीने में आ जाएगा बोल रहे हैं। मेरा नाम महबूब अहमद शेख है। जो भी याद है, मतलब हम लोग यहाँ पे 2017 में आए थे बेंगलोर को। मुझे जब कुछ इशू हुआ तो हमने पहले वही डिसाइड किया कि कावेरी को जाना है, बिकॉज इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी में वो एक ही हॉस्पिटल है जो 24/7 ओपन है। मुझे कुछ डिफरेंस महसूस नहीं होता कि पहले और अब में ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, बट बिकॉज साइकोलॉजिकल फीलिंग रहता है ना कि हम अभी थोड़ा सा बीमार हैं, तो नीड टू बी वेरी कॉशियस इन एवरीथिंग। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ या सही कर रहा हूँ या नहीं कुछ, अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगता है। मतलब वही डॉक्टर ने बोला है कि इतना बड़ा सर्जरी हुआ है तो इतना जल्दी किसी का इतना रिकवरी जल्दी नहीं हुआ है, तो ये पहली कैंडिडेट है कि इतना जल्दी रिकवर होकर वो चलने लगे। सो व्हाट वी नीड टू टेल हियर इज टाइम इज ब्रेन, एंड पीपल हु गेट देयर सर्जरी डन इन द क्रिटिकल टाइम
can have a fantastic recovery and can completely go back to their normal lives. So get yourselves to a hospital in the right time and get yourselves treated in the golden hour, and you can have fantastic recoveries and results out of it. डॉक्टर कृष्ण चैतन्य को मेरे तरफ से तो और मेरे हस्बैंड के मेरे बच्चों के तरफ से सबके तरफ से थैंक यू सो मच. थैंक्स से बड़ा और मैं कुछ नहीं बोल सकती. इतना हेल्प किया उन्होंने मुझे.